देट इज मैथड विच इज़ कॉल्ड फैक्टर रेटिंग मैथड जो कि यूज़ किया जाता है लोकेशन सेलेक्शन के अंदर इट इज वेरी पॉपुलर मैथड वाई बिकॉज इसके अंदर हम कई डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर uh, कर सकते हैं और उसके बेस पर एक लोकेशन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कौन सी लोकेशन हमें uh, uh, चाहिए Uh, कहाँ जहाँ हमें फैसिलिटी लगानी चाहिए और उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यू नीड टू लिस्ट डाउन द फैक्टर्स जिसके अंदर आपकी कंपनी इंटरेस्टेड होगी ठीक है जो जिनके कंपनी समझती है कि ये इम्पोर्टेंट है uh, कंसिडर करने के लिए लोकेशन के फॉर एग्जाम्पल कंपनी कंसिडर करती है कि जी नियर टू मार्केट और अप्रोक्सीमेटली टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सो उसको इंक्लूड करें तो इस तरह आपने लिस्ट डाउन करने डिफरेंट फैक्टर्स जिनके बेसिस के ऊपर आप लोकेशन के जो आपके डिसीजन uh, है उस पर इम्पैक्ट uh, पड़ेगा अगर आपने लोकेशन उधर सेलेक्ट कर ली है द अदर थिंग इज देन यू गिव वेट टू ईच फैक्टर आपके ख्याल में डिफरेंट uh, फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस आपकी कंपनी के लिए क्या है तो उसके आप वेट साइन कर देते हैं ठीक है ये आगे चलकर हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके अंदर मैं ज्यादा क्लियर कर दूंगा तो वो आप वेट साइन करते हैं देन वॉट यू डू इज यू डिवेलप अ स्केल फॉर ईच फैक्टर एंड गिव स्कोर टू ईच लोकेशन फॉर दीज फैक्टर तो वो आप ये करेंगे कि स्कोर लेट से हंड्रेड में से आपने स्कोर किया आपने कहा कि ये लोकेशन जो है इसका इस फैक्टर के हिसाब से स्कोर क्या बनता है आउट ऑफ हंड्रेड दूसरे लोकेशन का क्या स्कोर बनता है फॉर अ पर्टिकुलर फैक्टर उसका स्कोर क्या बनता है आउट ऑफ हंड्रेड सो आपने वो स्कोर असाइन uh, कर दिए टू ईच लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फैक्टर्स और उसके अंदर फिर वॉट यू डू इज यू मल्टीप्लाई द स्कोर विच द लोकेशन अचीव विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फैक्टर विद द वेट ऑफ दैट फैक्टर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह आप हर फैक्टर का और वो जो लोकेशन है उसके स्कोर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सम अप कर लेंगे जिस लोकेशन का भी टोटल सम जो है वो ज्यादा आएगा वो लोकेशन इज द वन जो कि आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए और उसके ऊपर आपको फैसिलिटी लगानी चाहिए तो इसके अंदर एक इशू जो इसका जो डाउन uh, साइड है रेटिंग मेथड के अंदर वो ये है कि जो एक uh, इंसान है वो एक से ज्यादा लट से एक नॉर्मल शख्स पांच डिफरेंट फैक्टर्स को एक वक्त में अवेलुएट कर सकता है उससे ज्यादा हो तो उसकी इम्पोर्टेंस के एवेलुएशन के अंदर जरा इशू आ सकता है और उसकी वजह से कैलकुलेशन जो है वो बाइस्ड हो सकती है तो इसका ये थोड़ा सा डाउनसाइड है बट एडवानटेज uh, ये है कि इट इज़ अ वेरी ईजी मेथड टू इम्प्लीमेंट फॉर सेलेक्शन ऑफ ए लोकेशन उसके अंदर यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड एड एंड यू कैन गेट द रिजल्ट और उस बेसिस के ऊपर आप लोकेशन डिटर्मिन uh, कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन uh, बेहतर होगी